सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हम साथे एक उम्र होगी, हमने तो नहीं देखा भाई, बहुत बुरी घटना हुई है, हमारा ऊपर घटना बहुत हुई है, हमारा ऐसी घटना हुई है जो जिंदगी से नहीं हुई साथ भी दी। और आज जो इतना पलट का कोई किसको कोई किस सब ना सुधा पलट खाकर और खिड़की फोड़ फोड़ निकाल लिया हमारे को तो खबर नहीं, पर दो तीन और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे मंजिल से पहले यात्रियों के सामने आई मौत। उत्तर प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा, ट्री से उछल गए ट्रेन के डिब्बे, एक दूसरे पर चढ़ गई बोगियां, कॉलेज की दीवार में घुसी ट्रेन, टक्कर से बिचक गए ट्रेन के डिब्बे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खतौली रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसे की एक एक तस्वीर दिल दहला देती है। अपनी मंजिल हरिद्वार की ओर बढ़ रही उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन अचानक पटरी से उतरी और ट्रेन के भीतर हड़कंप मच गया। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार जा रही थी, लेकिन कल शाम 5:46 पर खतौली मुजफ्फरनगर में ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के यात्रियों के मुताबिक अचानक तेजी से ब्रेक लगने की आवाज आई। तब तक आवाज आती है और ये लगता है कि मतलब धुआं सा गाड़ी में आता है, और गाड़ी जो है जैसे सांप की नागिन की तरह, ऐसा मैंने देखा है विंडो में, ऐसे 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 हो रही है जैसे नागिन चलती है। नहीं साहब, एक झटका सा लगा और सब कुछ बंद हो गया एक झटके में, में था सर बैठे थे और एकदम दड़ 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 हुई और हमको कोई पता नहीं, हमारी आंख मिच गई। लैंड से उतर की गाड़ी दड़ दड़ कर और वो फ्लेट की गाड़ी और फ्लेटर मौत हो गई। बैठे बैठे एकदम पैर घड़र घड़र हो जब मैंने एकदम ब्रेक दिए, जब डिब्बा पीछे का डिब्बा आए से बग जब ट्रेन के ऊपर डिब्बा चढ़ गए, गाड़ी पलटती दिखी हमको तो पलटर ऊपर और नीचे गए गए सब। मैंने तो भाई साहब ऐसी ऐसी लाश देखी थी, आंख मिच गई मेरी, दिखो भी नहीं ऊपर डिब्बा के ऊपर ही में बामसन ने कर गई जाए इतनी लाश की ऊपर से नंदी बह रही खून, कम सारी नंदी बह रही खून की जो मेरी आंख मिच गई, कतई देखो नहीं गया मौके कतई जी, ऐसी कभी हालियत नहीं देखी। वो गाड़ी एकदम से हिलने लग गई, मैं कि ये तो गाड़ी पलटेगी, हमने दोनों ने खिड़की को पकड़ लिया, पकड़ के वो डिब्बा ओंधा हो गया, ओंधा हो तो साहब एकदम हाथ छूट गए, लेकिन बच्चे हमारी गोद में थे। हादसे के वक्त उत्कल एक्सप्रेस की रफ्तार बेहद तेज थी, इसी वजह से डिब्बे पटरी से उछलकर एक दूसरे पर चढ़ गए, कुछ डिब्बे तो टक्कर से कागज की तरह चिपक गए। सबसे ज्यादा नुकसान स्लीपर कोच S1 से S10 तक हुआ है, साथ ही थर्ड एसी B1, सेकेंड एसी A1 कोच के अलावा पेंट्री भी बर्बाद हो गई। हादसा कितना भीषण रहा उसकी तस्दीक करती हुई ये पहली तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो कोचेज हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी, तो जो पीछे वाला जो कोच था जब वो आगे वाले कोच से टकराता है तो उसके बाद में अगले कोच पे कितना प्रेशर पड़ता है उस बात की तस्दीक करती हुई ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद में अब आपको हम बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो कोच इस वक्त आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये एक स्कूल है, एक घर है उसके बगल में जिसमें ये डिब्बा घुस गया, एक और पांचवा डिब्बा आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये पांच डिब्बे सबसे ज्यादा जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। सब खतौली रेलवे स्टेशन आउटर के पास ट्रेन जोरदार तरीके से रुकी और उसके डिब्बे हवा में उछलकर इधर उधर गिर गए, करीब 12 बोगी पटरी से उतर गई,
एक डिब्बा तो इतनी दूर पहुंच गया कि पास के एक कॉलेज की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है और यहां पर ट्रेन हादसे की जो तस्वीरें हैं बेहद भयावह हैं। आप देखिए, ये वही ट्रेन है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस जो कि खतौली में क्षतिग्रस्त हुई, एक्सीडेंट हुआ। ये पेंट्री कार का डिब्बा है जो पूरी तरह से खत्म हो गया। और सबसे अहम बात, यहां पर ये जो डिब्बा है, जो इसका अगला हिस्सा है, वो इस घर की दीवार को तोड़ते हुए यहां अंदर घुस गया है। ये देखिए कितनी भयावह तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी और ये पूरी तरह से जो डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक डिब्बे जो है वो यहां पर चढ़ गए हैं। ये देखिए, मैं इस वक्त डिब्बे के ठीक नीचे खड़ा हुआ हूं और यहां पर आप देखेंगे तो एक डिब्बा ये इसके ऊपर इसको पार कर गया है। ट्रेन के डिब्बे इतनी बुरी तरह से पलटे थे कि उन्हें ट्रेन से उठाना भी मुश्किल हो रहा था। सोचिए ऐसे डिब्बों में फंसे लोगों की हालत क्या हुई होगी। जरा देखिए इस शख्स को कैसे ट्रेन की खिड़की से निकाला गया। यहाँ के दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो पटरियां, जो बोगियां हैं वो उल्टी पड़ी हुई हैं। जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो यहाँ पर ट्रेन के अंदर जा रहे हैं उन लोगों की तलाश करने के लिए, निकालने के लिए। देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं जो यहां पर पहुंचे हुए हैं वो इस वक्त जो है यहां पर अंदर जा रहे हैं। ट्रेन की जो विंडो थी उसको काटा गया है। रात होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत हुई, लेकिन एनडीआरएफ और सेना के जवान रात भर लोगों को बचाने में जुटे रहे।